हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रमेश शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब बेहतर सोचता है तो बेहतर करने की तरफ प्रयास भी करता रहता है, और क्यों ना हो, उसको करना भी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए जब हम बेहतर सोचते हैं तो आपकी सोच उस तरफ जाना लाजमी बात है, क्योंकि आप समाज के लिए सोच रहे हैं। मेरा भी हमेशा ये प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से सोसाइटी में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जाए जो हमेशा के लिए याद रखा जाए, और जो हमारे समाज को एक नई दिशा और नई दशा की तरफ बढ़ाने का प्रयास करे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जो हमारे आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। मैं युवा पीढ़ी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का युवा जिस तरह से अपनी जिंदगी के मकसद को भूलकर कुछ ऐसी चीजों में लग गया है जिनका कोई औचित्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक विनाश का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको आज इस सीरीज में ले चलने से पहले थोड़ा सा एक भौतिक ज्ञान की बात करना चाहता हूं कि अगर आज आप विकसित देशों की बात करें, जैसे चाइना जैसे की बात करें, तो वहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक युवा अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे आविष्कार करने की तरफ बढ़ता है जो उसके देश को, उसके समाज को आगे ले जा सके। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में जिस तरह से नशे में, गेम्स में, जिस तरह से गलत चीजों की तरफ हमारा युवा बढ़ रहा है, वह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान का कारण बनने का एक कारण दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मैं इन सब चीजों को लेकर बहुत बड़ा तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, मैं उस कंट्रीब्यूशन में कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हुए आज एक ऐसी सीरीज आपके बीच में लेने जा रहा हूं जहां पर हम युवाओं के लिए कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस रखेंगे जो हमारे बड़े अधिकारियों के, कुछ बिजनेस टाइकून्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में फर्श से उठकर अर्श की अचीवमेंट की है, यानी जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय किया है। ऐसे लोगों को हम आपके बीच में इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसकी पहली सीरीज आपके बीच में कल से आनी शुरू हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि हर एक हफ्ते किसी एक ऐसे डिग्निटी का, किसी ऐसे व्यक्ति का आपके बीच में मैं इंटरव्यू ला के रखूं जहां पर हम चर्चा कर सके उनकी जिंदगी के सपनों की, मुश्किलों की, बाधाओं की, और उनकी जिंदगी से क्या मैसेजेस हम मिले सकते हैं उनकी। आप जरूर इसको देखिएगा और साथ में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को भी आप इसको देखने के लिए प्रेरणा दीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि इस यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम के माध्यम से मैं अपने समाज में एक ऐसा छवि लाकर रखूं उन लोगों की जिन्होंने संघर्ष किया है, या वो लोग जो संघर्ष करके आज जिंदगी में कहीं आगे पहुंचे हैं, आज समाज के लिए एक प्रेरणा बने हैं। मुझे पक्का विश्वास है आप मेरे साथ रहेंगे क्योंकि आपने मेरा हमेशा साथ दिया है, और इस प्रोग्राम को लेकर भी आप मेरा साथ देंगे। जरूर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारे समाज का एक और नया आईना सामने आएगा और हमारे बच्चे, हमारे युवा उसके माध्यम से और आगे बढ़ेंगे, अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। मैं हमेशा ये प्रयास करता रहूंगा कि जब तक आपके अंदर वो आखिरी गलती, आखिरी कमी निकलकर बाहर ना आ जाए, तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। आप भी इस प्रयास को करिएगा जरूर, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कीजिए। जीवन उत्साह न्यूज का ये पेज आपकी जिंदगी का एक नया उत्साह लेकर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।